अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोहिनूर हज उमरा टूर्स की मदीने की ज़्यारत है और हम जो है तो आज मस्जिद खंदक की ज़्यारत के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हाजी लोग नमाज़ अदा करेंगे, दो रकात नफिल नमाज, उसके बाद हमारी ज़्यारत है इंशाअल्लाह मस्जिद क़िबलत है और शोदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोहिनूर हज उमरा टूर्स का काफिला मदीने की ज़्यारत पे है और हमारी पहली ज़्यारत मस्जिद खुबा है, यहाँ पर दो रकात इंशाअल्लाह नफिल नमाज अदा करेंगे और बाकी के ज़्यारत के लिए इंशाअल्लाह ताला रवाना होंगे। आज 120 हाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़्यारत कंप्लीट हुई, इंशाअल्लाह आगे की भी ज़्यारत है के लिए रवाना होंगे। थोड़ा जोर से बोलो। पूरी कराए हमारे। अच्छा, आपको कोई परेशानी की तकलीफ नहीं? आपने अपने अहले वतन के वास्ते, अपने पूरे दुनिया के वास्ते क्या दुआई की? दुआई करे ना, हमने सबको दुआई करे कि मैं सबको जैसा हाज उमरा सबको कबूल फरमा, सबको जैसा अल्लाह की दर का दीदार हो जा। जुनैद भाई को अल्लाह जायज तमन्ना से पूरी करे, उन्होंने हमारी बहुत बहुत खिदमत की है, हमारी को कोई दिक्कत नहीं गई, उन्होंने पूरी ज़्यारतें वगैरह सब पूरी की है और बहुत उम्र वालों का हाजिरों को बहुत नया बनता है। अल्लाह उनकी जुनैद भाई की तरफ से कोई परेशानी नहीं आई, अल्लाह उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, खाने पीने का, ज़्यारतों का, हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखा। बार बार आके हमें देखा, पूछा कि आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी है क्या, कोई मसला नहीं आया हमारे सब में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ने बहुत अच्छे से करे और अपने वतन के लिए भी बहुत अच्छे से दुआएं की, सब मुसलमान उम्मत की भाई के लिए भी दुआएं की, बहनों के लिए भी कि अल्लाह हमारे जैसा उनको भी अल्लाह का घर का निकाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल गफूर सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल का रिटायर्ड टीचर हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैंने कोहिनूर टूर को चुना क्योंकि मैं कोहिनूर टूर का काफ़ी नाम सुन चुका था और उनकी सर्विस के बारे में। और आज माशाल्लाह हमें एक महीने के टूर को लिए गए थे, हम लोग को 5 उमरा करने का मौका मिला और माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल मदीने मुनव्वरा में भी और खाने काबा के पास भी नज़दीकी राहगीरों का इंतज़ाम किया था और हर चीज़ की सहूलत दी है, जो चीज़ बताए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा सहूलत दी है और वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छे मौके मिले और हमने अपने वतन के लिए और सबसे बढ़कर हमने हमारे वतन में भाईचारगी के लिए दुआएं की और 15 अगस्त का हम लोग वहाँ सेलिब्रेशन किए, 15 अगस्त हमने मनाए इसलिए थी कि हम लोग का 15 अगस्त का लगा हुआ है और बाज़ाब्ता हमने अपने यौम आज़ादी वहाँ मनाई और खाने काबा के नज़दीक हमने पर्चम भी बताया लहराया था, तो आपको जुनैद भाई बताएँगे। अल्लाह के फज़ल से बहुत अच्छा टूर रहा और हमारे हाजी रशीद जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है, अल्लाह उनको बरदराज करे और उनकी जो कोशिश है उसको कामयाब करे। दोबारा अगर आपको जाना है तो कौन से टूर? सवाल ही नहीं आता, कोई दूसरे टूर की बात ही नहीं आती। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हज मिलेगा तो हम कोहिनूर से ही हज करेंगे और जुनैद तो मेरा बच्चा भी है, मेरा स्टूडेंट भी है और मेरा बहुत पैसा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए और अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे और दिन दुख की तरक्की दे और अल्लाह ताला से दुआ की हमने अपने वतन के लिए, अपने सलामती के लिए, भाईचारगी के लिए और बारिश के लिए, फसल के लिए,
तो अल्लाह ताला हमारे घर की दुआओं को कबूल करे और हमारे वतन अल्हम्दुलिल्लाह महलूर की सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पूरे अरकान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए और हर चीज़ का मेरे जैसे ख्याल रखा, जितने वादा किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उतने पूरे उन्होंने निभाए और बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोई परेशानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। होटल सफर में तो तकलीफ थी लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वादा करा था उन्होंने उससे कई ज्यादा होटल मक्के से नजदीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, नजदीक थी कबूर चौक में थी, मक्के से करीब थी और मदीने में भी करीब थी। भाईचारा के लिए दुआएं की, हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह तबारक ताला भाई जुनेद की और उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी रशीद साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और उनके टूर को अल्लाह तबारक व ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 लोगों का काफिला था, आज 29वें रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं। सफ़र भी बड़ा इत्मीनान बख्श रहा अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म किसी हाजी को तकलीफ नहीं हुई है। जिस तरीके से कोहिनूर टूर वाले से वादा करे थे आप जाते वक्त, तो वो वादा पूरा करेंगे उन्होंने? कोहिनूर टूर वालों ने जो वादा किए थे उससे 10% अल्हम्दुलिल्लाह बढ़कर उन्होंने जो तो खिदमत की है, जो वादा किए उससे डबल जो है तो उन्होंने खिदमत की है। किसी भी हाजी ने जो है तो कोई शिकायत का मौका किसी हाजी को नहीं मिला है। दुआ की और खूस हमारे जुनेद भाई की लिए तो मैंने बहुत दुआ की, अल्लाह उनको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और इनसे कम उम्र में बहुत खुश है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।